हेलो एवरीवन, पिछले वीडियोस में हमने देखा है ओरिजिन थियोरीज ऑफ ओरिजिन ऑफ लाइफ के बारे में। हमने उनमें चार पांच थियोरीज पढ़ी हैं। तो वो सारी थियोरीज थी कि कैसे धरती पे लाइफ का ओरिजिन हुआ। अब से हम शुरू करेंगे थियोरीज ऑफ इवोल्यूशन। इवोल्यूशन की थियोरीज जो हैं कि कैसे कैसे इवोल्यूशन होता गया, उसके बारे में पढ़ेंगे। इसका जो इसके बाद जो नेक्स्ट यूनिट है उसमें हम एविडेंसेस ऑफ इवोल्यूशन पढ़ेंगे, बट इसमें हमने पढ़ना है कि इवोल्यूशन कैसे हुआ। तो इसके बारे में सबसे पहला है लेमार्किज्म। लेमार्क के द्वारा दी गई जो इवोल्यूशन के बारे में थियरी है उसको हम लेमार्किज्म कहते हैं। और इनकी जो थियरी है उसको कहा जाता है थियरी ऑफ इनहेरिटेंस ऑफ एक्वर्ड कैरेक्टर्स। इस थियरी के नाम से ही हम पता कर सकते हैं कि ये क्या कहना चाहता है। इनकी थियरी है उसको कहा जाता है थियरी ऑफ इनहेरिटेंस ऑफ एक्वर्ड कैरेक्टर्स। और सिंपली अगर हम कहें तो जो लमार की जो इवोल्यूशन की थियरी है हम उसे लमार्किज्म कहते हैं। ओके, तो लमार्क ने क्या कहा था अभी हम डिटेल में पढ़ेंगे, बट एक बेसिक चीज़ देख लें तो लमार्क ने ये कहा कि देखिए ऑर्गेनिज्म है वो एनवायरनमेंट में रह रहा है, ठीक। तो वो जो इंडिविजुअल है वो ऑर्गेनिज्म है वो और एनवायरनमेंट से इन्फ्लुएंस होगा, मतलब एनवायरनमेंट का उस पर प्रभाव पड़ेगा। और उस इन्फ्लुएंस की वजह से वो जो भी इंडिविजुअल है जो भी ऑर्गेनिज्म है वो अपने अंदर कुछ ट्रेट्स को एक्वायर्ड करेगा, मतलब उसके अंदर कुछ कैरेक्टर आएंगे, ठीक। एक्वायर्ड ट्रेट जिसे हम कहते हैं, एक्वायर्ड ट्रेट क्या होता है, जो इंसान अपने लाइफ टाइम में कोई भी कैरेक्टर कोई भी ट्रेट अपने अंदर लाता है उसे हम एक्वायर्ड ट्रेट कहते हैं। तो लेमार्क का ये कहना था कि ऑर्गेनिज्म का एनवायरनमेंट से इन्फ्लुएंस होता है और उस एनवायरनमेंट की इन्फ्लुएंस की वजह से कुछ फिजिकल चेंजेस होते हैं, वो ऑर्गेनिज्म कुछ ट्रेट्स को एक्वायर्ड करता है और वो ट्रेट क्या होते हैं उसके ऑफस्प्रिंग्स के पास भी जाते हैं। मतलब सिंपली क्या कहते हैं ये कि उन एक्वायर्ड ट्रेट्स का इनहेरिटेंस होता है, ठीक। मैंने ऐसे समझाने के लिए इतना बताया, आई होप कि कॉम्प्लेक्स नहीं हुआ हो। क्या कहा था लेमार्क ने कि इस एनवायरनमेंट का, जिस एनवायरनमेंट में ऑर्गेनिज्म रह रहा है उस एनवायरनमेंट का उस ऑर्गेनिज्म पे इन्फ्लुएंस होता है, मतलब प्रभाव होता है। उस इन्फ्लुएंस की वजह से जो भी जिस एनवायरनमेंट में ऑर्गेनिज्म रह रहा है उसकी वजह से उसके अंदर कुछ फिजिकल चेंजेस आते हैं, उस एनवायरनमेंट के हिसाब से वो अडेप्ट होता है तो कुछ चेंजेस आते हैं, उन एनवायरनमेंट के हिसाब से वो कुछ ट्रेट्स को एक्वायर्ड करता है और वो ट्रेट्स वो कैरेक्टर्स फिर उस ऑर्गेनिज्म के ऑफस्प्रिंग्स में भी जाते हैं, उसके बच्चों में भी जाते हैं, मतलब उसके आगे जनरेशन में भी जाते हैं, ठीक। इसीलिए लेमार्क की इस थियरी को थियरी ऑफ इनहेरिटेंस ऑफ एक्वर्ड कैरेक्टर्स भी कहा जाता है, ठीक। तो और क्या कहा था इसके बारे में अभी हम जानेंगे, लेकिन इससे पहले जो इंट्रोडक्शन है ये देखते हैं हम। देखिए लेमार्किज्म वॉज प्रपोज बाई जीन बैप्टिस्टे डे मोनेट लेमार्क, इनका पूरा नाम ये था, इन द ईयर इनका लाइफ स्पैन है मतलब 1744 से लेकर 1829 तक ये जीवित थे, ठीक। तो लेमार्किज्म इनके द्वारा दिया गया था, जीन बैप्टिस्टे डे मोनेट लेमार्क के द्वारा। दिस थियरी वॉज बेस्ड ऑन द प्रिंसिपल, देखिए अब यहाँ पे दिया ये थियरी किस लेमार्किज्म किस थियरी पे बेस्ड है, तो क्या है दैट ऑल द फिजिकल चेंजेस ऑकरिंग इन एन इंडिविजुअल ड्यूरिंग इट्स लाइफ टाइम और इनहेरिटेड बाय इट्स ऑफस्प्रिंग। जितने भी फिजिकल चेंजेस हैं जो भी कैरेक्टर्स एक इंसान एनवायरनमेंट की इन्फ्लुएंस के द्वारा एक्वर्ड कर रहे हैं पा रहा है वो क्या होगी उसके ऑफस्प्रिंग्स के द्वारा इनहेरिट किए जाएंगे, ठीक। जीन बैप्टिस्टे लमार्क पुट फोर्थ द थियरी ऑफ इनहेरिटेंस ऑफ एक्वर्ड कैरेक्टर्स। थियरी ऑफ इनहेरिटेंस मतलब क्या होता है, हम जानते हैं ना कि जो चीज़ें हैं वो पास ऑन होती रहती है जनरेशन पे, तो इनका ये कहना है कि एक्वर्ड रेट जो भी आ रहा है वो उसकी ऑफस्प्रिंग पे पास होंगी। तो इसीलिए ये कहते हैं पुट फॉर द थियरी ऑफ इनहेरिटेंस ऑफ एक्वर्ड कैरेक्टर्स विच इज़ ऑल्सो नोन एज लेमार्किज्म, और इसी को लेमार्किज्म कहा जाता है। इट वॉज पब्लिश्ड इन फिलोसफी जूलॉजी की इन द ईयर 1809, ये बुक का नाम आप याद रखिएगा। इस बुक में 1809 में ये पब्लिश हुआ था। कौन सी बुक है, फिलोसफी जूलॉजी की, ओके। तो ये इनका इंट्रोडक्शन था, अब आते हैं हम लेमार्क की थियरी का। तो देखिए लेमार्क ने थियरी तो अपनी दी कि एनवायरनमेंट के इन्फ्लुएंस के द्वारा ट्रेट्स हैं जो कैरेक्टर्स हैं वो एक्वर्ड किए जा रहे हैं और उसके ऑफस्प्रिंग पर पास होंगे, लेकिन इन्होंने लेमार्क ने चार तरीकों से अपनी इस थियरी को बताया, ठीक।
कि किन किन वजहों से या कह सकते हैं किन तरीकों से ये होता है। ठीक, तो सबसे पहला है चेंज थ्रू यूज एंड डिसयूज। चेंज थ्रू यूज एंड डिसयूज में सिंपली लमार्क ने ये कहा था कि ऑर्गेनिज्म है, उसका कोई ऑर्गन है, जो ऑर्गन ज़्यादा फ्रिक्वेंटली यूज होगा वो क्या होगा, वो ज़्यादा डेवलप होगा और उस ऑर्गेनिज्म का एक कैरेक्टरिस्टिक फीचर बन जाएगा और क्या होगा फिर, और जो ऑर्गन है वो ज़्यादा यूज़ नहीं हो रहा है वो डीजनरेट कर जाएगा। मतलब कोई भी ऑर्गन है जिसका ज़्यादा यूज़ हो रहा है वो आगे चलकर और डेवलप्ड होगा, ठीक, और उसमें अच्छे करेक्टरिस्टिक्स आएंगे वो डेवलप्ड होगा, और जो ऑर्गन का यूज़ नहीं हो रहा है वो डीजनरेट हो जाएगा, वो ख़त्म हो जाएगा। चेंज थ्रू यूज़ एंड डिसयूज़ में उनका यही कहना था। ठीक, इसका एग्जाम्पल के लिए उन्होंने क्या बताया, उन्होंने यही बताया कि जिराफ का एग्जाम्पल उन्होंने दिया था कि अ जिराफ स्ट्रेचेज हिज नेक टू ईट लीव्स, अ नर्वस फ्लूइड वुड फ्लो इन इट्स नेक एंड इट एनलार्जेस। उन्होंने जिराफ का एग्जाम्पल दिया, इस जिराफ के एग्जाम्पल के बारे में भी और हम देखेंगे। तो इन्होंने कहा कि जिराफ को क्या था कि पहले जिराफ की जो गर्दन थी ना वो एक नॉर्मल जो डियर होते हैं उन्हीं की तरह, जिराफ के भी एंसेस्टर थे तो उनकी गर्दन इतनी, उनकी नेक इतनी लंबी नहीं थी, पर कुछ एनवायरमेंटल फैक्टर्स के कारण, मतलब कोई क्लाइमेटिक चेंज हुआ होगा या फिर कोई और हर्बीवर्स घास जो खा लेते होंगे नीचे, फिर उनको पेड़ों की पत्तियों पर खाने के लिए, उनका अपने जीवन निर्वाह करने के लिए खाना पड़ा, इसीलिए धीरे धीरे उनकी गर्दन में स्ट्रेच आई। अब गर्दन ऊँची करेंगी तो धीरे धीरे उन क्या किया, उन्होंने उस गर्दन को यूज़ करना ज़्यादा, उस गर्दन का वो यूज़ करना शुरू किया, वो भी ज़्यादातर उन्होंने स्ट्रेच करना किया, स्ट्रेच करते करते वो गर्दन लंबी हो गई। ठीक, तो इसका एग्जाम्पल उन्होंने दिया। फिर उन्होंने क्या कहा, द ऑर्गन्स विच द ऑर्गेनिज्म हैव स्टॉप यूजिंग वुड श्रिंक विद टाइम। और जो ऑर्गन, वो जो भी ऑर्गेनिज्म है उसका कम यूज़ करेगा या बिल्कुल भी यूज़ नहीं करेगा तो वो टाइम के साथ वो ऑर्गन ख़त्म हो जाएगा, वो वेस्टिजियल हो जाएगा। ठीक, लिविंग ऑर्गेनिज्म एंड दियर पार्ट्स टेंड टू इंक्रीज इन साइज कंटिन्यूअसली ड्यू टू इंटरनल फोर्सेज ऑफ लाइफ। और क्या कहा इन्होंने कि ये जो स्ट्रेच हो रही है जिराफ की गर्दन में या फिर कोई भी, ये तो एग्जांपल के लिए इन्होंने बताया, ये कह रहे हैं कि जो चीज़, जो ऑर्गन ज़्यादा यूज़ होगा फ्रिक्वेंटली वो बढ़ेगा, इंक्रीज करेगा साइज में, तो ये किस लिए हो रहा है, क्योंकि ऑर्गेनिज्म के अंदर एक इंटरनल फोर्स ऑफ लाइफ है, एक वाइटल फोर्स है, उसी की वजह से ये सारी चीज़ें हो रही हैं। ठीक, तो पहला इनको समझाने का तरीका क्या था, इन्होंने क्या बताया कि चेंज थ्रू यूज़ एंड डिसयूज़ में क्या होता है, सिंपली कि जो ऑर्गन ज़्यादातर यूज़ किया जाता है वो डेवलप हो जाता है, ठीक, और जो ऑर्गन ज़्यादा यूज़ नहीं किया जाता है वो डीजनरेट हो जाता है, समय के साथ ख़त्म हो जाता है, वेस्टिजियल बन जाता है। ठीक, दूसरा था ऑर्गेनिज्म ड्राइवन टू ग्रेटर कॉम्प्लेक्सिटी। इन्होंने क्या कहा लमार्क ने कि एज द ऑर्गेनिज्म अडेप्टेड टू दियर सराउंडिंग्स दे बिकेम इंक्रीजिंगली कॉम्प्लेक्स फ्रॉम द सिंपलर फॉर्म। जैसे जैसे सराउंडिंग्स के एनवायरमेंट से ऑर्गेनिज्म अडेप्ट होता है, जैसे जैसे उसका इन्फ्लुएंस होता है, वो सिंपल फॉर्म से और कॉम्प्लेक्सिटी और कॉम्प्लेक्स फॉर्म में चेंज होता जाता है, ये इनका दूसरा था। ठीक, तीसरा पॉइंट इन्होंने क्या कहा, इनहेरिटेंस ऑफ एक्वायर्ड कैरेक्टर, जिनके नाम पे इनकी थियरी है। तो इन्होंने क्या किया, कहा कि एन इंडिविजुअल एक्वायर सर्टन कैरेक्टरिस्टिक्स ड्यूरिंग इट्स लाइफ टाइम, दीज कैरेक्टर्स आर इनहेरिटेड बाय देयर ऑफस्प्रिंग एज वेल। कोई भी इंसान है, कोई भी ऑर्गेनिज्म है, तो वो अपने जीवन काल में कई सारी कैरेक्टर्स को एक्वायर करता है। ठीक, तो फिर वो क्या होता है, वो कैरेक्टर्स उसके ऑफस्प्रिंग को भी मिलते हैं। ठीक, उसके जो बच्चे पैदा होंगे तो उसको भी मिलेंगे। इनका तीसरा पॉइंट ये था। और चौथा ये था कि इफ़ेक्ट ऑफ एनवायरनमेंट एंड न्यू नीड्स। इनमें इन्होंने इसमें क्या कहा कि द एनवायरनमेंट इन्फ्लुएंसेस ऑल ऑर्गेनिज्म। एनवायरनमेंट है, ऑर्गेनिज्म एनवायरनमेंट में रह रहे हैं, तो एनवायरनमेंट क्या करता है, सारे ऑर्गेनिज्म को जो रहे उसको इन्फ्लुएंस करता है, प्रभावित करता है। अ स्लाइट चेंज इन एनवायरनमेंट ब्रिंग्स अबाउट चेंजेस इन द ऑर्गेनिज्म। और इसीलिए अगर एनवायरनमेंट में थोड़ा सा भी चेंज होता है, स्लाइट चेंज होता है, तो इससे क्या होगा, उस ऑर्गेनिज्म में भी चेंज होगा, क्योंकि उसको डायरेक्टली इन्फ्लुएंस कर रहा है। दिस गिव राइज टू न्यू नीड्स विच इन टर्न प्रोड्यूसेज न्यू स्ट्रक्चर्स एंड चेंजेस द हैबिट्स ऑफ ऑर्गेनिज्म। और इसलिए क्योंकि एनवायरनमेंट से थोड़ा चेंज हुआ, इसकी वजह से क्या होगा, ऑर्गेनिज्म में भी थोड़ा सा चेंज होगा, इसीलिए नए नए नीड्स होंगी और नए स्ट्रक्चर्स बन जाएंगे, इसीलिए उस ऑर्गेनिज्म का भी हैबिट चेंज हो जाएगा। इफ़ एनी ऑर्गन इज यूज कॉन्टीन्यूअसली एंड कॉन्स्टेंटली इट टेंड्स टू बी हाईली डेवलप वेयर एज मिस यूज रिजल्ट इन डीजनरेशन। ऐसा कोई भी ऑर्गन है जो ज़्यादा यूज़ किया जाएगा वो और डेवलप होगा, और ऐसा
ऐसा कोई भी ऑर्गन जिसका मिसयूज होगा, कम यूज किया जाएगा, वो डीजेनरेट कर जाएगा। ठीक, तो ये इन चार तरीकों से इन्होंने बताया। इफेक्ट ऑफ एनवायरनमेंट एंड न्यू नीड्स को आप इस तरह से भी समझ सकते हैं, जिराफ वाला एग्जांपल से ही, कि जैसे जिराफ, जब जिराफ के एंसेस्टर्स मतलब जब वो थे डियर की तरह ही थे, ठीक, तो जब घास थी नीचे थी, फॉरेस्ट फ्लोर पे नीचे थी, तो आराम से वो खा लेते थे। लेकिन क्या हुआ फिर, एनवायरनमेंट ने किस तरह से प्रभावित किया कि कुछ क्लाइमेटिक चेंज हुआ होगा जिसकी वजह से वो सारे घास ख़त्म हो गए होंगे, या फिर कोई और हर्बीवोर आया होगा वो उसको खा जाता होगा। ठीक, तो फिर क्या हुआ होगा, पेड़ों पर से फिर जिराफ को खाना पड़ा। ठीक, तो जिराफ को खाने की वजह से क्या हुआ, नए स्ट्रक्चर्स तो क्या मतलब, लेकिन उनकी जो नेक है उसमें स्ट्रेच आई, तो स्ट्रेच आने की वजह से एक नया हैबिट बन गया जिराफ का। तो इसी बात को इन्होंने प्रूफ किया। तो एक बार कंक्लूड करें अगर हम लैमार्क की थियरी को, तो लैमार्क की थियरी ने ये कहा था, लैमार्क ने ये कहा कि उनकी थियरी का प्रिंसिपल ये था कि अपने लाइफ टाइम में इंसान तो क्या मतलब कोई भी ऑर्गेनिज्म कुछ ट्रेट्स को एक्वायर्ड करता है, कुछ कैरेक्टर्स को एक्वायर्ड करता है, और वो कैरेक्टर्स फिर उसके ऑफस्प्रिंग में पास ऑन हो जाते हैं। इन्होंने इन बात बताने के लिए चार पॉइंट्स बताए। कहा पहला कि चेंजेस थ्रू यूज एंड डिसयूज, कि कोई भी ऑर्गन है उसका जिसका ज़्यादा फ्रिक्वेंटली यूज़ होगा वो और डेवलप होगा और वो पास ऑन हो जाएगा, जो ऑर्गन है वो ज़्यादा यूज इसका नहीं किया जाएगा वो डीजेनरेट हो जाएगा, समय के साथ ख़त्म हो जाएगा। दूसरा उन्होंने ये कहा कि ऑर्गेनिज्म डाइमेंड टू ग्रेटर कॉम्प्लेक्सिटी, मतलब जिस सराउंडिंग में, जिस एनवायरनमेंट में ऑर्गेनिज्म रह रहा है, अडेप्ट है, तो धीरे धीरे वो सिंपल फॉर्म से कॉम्प्लेक्स फॉर्म में चेंज होता जाता है। थर्ड उन्होंने बताया इनहेरिटेंस ऑफ एक्वर्ड कैरेक्टर्स, की जो भी उसने कैरेक्टर्स एक्वर्ड किए हैं अपने लाइफ टाइम में कोई भी ऑर्गेनिज्म, तो वो उसके ऑफस्प्रिंग्स को भी पास होगा। और चौथा उन्होंने बताया न्यू नीड्स का, इफेक्ट ऑफ एनवायरनमेंट और न्यू नीड्स का, कि एनवायरनमेंट का इन्फ्लुएंस होता है ऑर्गेनिज्म पे, अगर थोड़ा सा भी स्लाइट चेंज होगा तो क्या होगा, ऑर्गेनिज्म के स्ट्रक्चर में, उसके हैबिट में भी चेंज आएगा। तो ये चार तरीकों से इन्होंने बताया। तो इन्होंने अपनी ये थियरी तो दी, फिर हम देखें एग्जाम्पल्स ऑफ लैमार्किज्म में, तो उन्होंने अपने फेवर में कुछ एग्जाम्पल्स दिए, कुछ एविडेंसेस दिए। तो इस चीज़ को ऐसे भी लिख सकते हैं हम कि एविडेंसेस ऑफ लैमार्किज्म। ठीक, क्या क्या प्रूफ है, तो उन्होंने कुछ प्रूफ्स दे दिए हैं अपनी थियरी के। इवोल्यूशन ऑफ लॉन्ग नेक इन जिराफ, ठीक, कि जिराफ की जो लंबी नेक है जो इवॉल्व हुई है उसके बारे में। इवोल्यूशन ऑफ फीट ऑफ मॉडर्न हॉर्स, मॉडर्न हॉर्सेस में जो फीट का इवोल्यूशन है उसके बारे में। स्नेक्स का इवोल्यूशन के बारे में बताया इन्होंने। वेब्ड फीट इन एक्वेटिक बर्ड्स, फ्लाइटलेस बर्ड्स, रिट्रैक्टाइल क्लॉज ऑफ कार्निवोरस मैमल्स एंड केव ड्वेलर्स। इन्होंने सात एग्जाम्पल, मतलब सात क्या, इन्होंने कुछ एग्जाम्पल्स दिए जो यहाँ पे हमने कुछ लिखे हैं। ठीक, तो इनके बारे में पढ़ते हैं। तो सबसे पहले इवोल्यूशन ऑफ लॉन्ग नेक इन जिराफ की बात करें हम, तो देखिएगा इसके पॉइंट्स। अकॉर्डिंग टू लैमार्क, जिराफ इवॉल्व फ्रॉम डियर लाइक एंसेस्टर। लैमार्क के अकॉर्डिंग जिराफ कहाँ से इवॉल्व हुए हैं, डियर लाइक एंसेस्टर से, हिरन की तरह ही उनके एंसेस्टर्स थे। दीज ऑर्गेनिज्म हैव शॉर्ट नेक एंड फोर लिम्स एंड ग्रेज ग्रासेस। और ये जो जिराफ की तरह इनके एंसेस्टर्स थे, इनकी गर्दन भी छोटी थी, नेक छोटी थी, और इनके फोरलिम्स भी छोटे थे, एंड ये घास चरते थे। थर्ड पॉइंट है, एज द क्लाइमेटिक कंडीशंस चेंज द रिच वेजिटेशन चेंज टू फ्यू ट्रीज। कुछ क्लाइमेटिक कंडीशंस चेंज हुई, कुछ एनवायरमेंट बदला, उससे क्या हुआ कि जो रिच वेजिटेशन का घास थे नीचे फॉरेस्ट फ्लोर पे थी, वो ट्रीज में कन्वर्ट हो गए, या फिर कह सकते वो घास खत्म हो गई तो ट्रीज हुए। ठीक, द लीव्स ऑफ दिस ट्रीज वर द ओनली सोर्स ऑफ फूड फॉर दिस जिराफ। और उस वक्त क्या हुआ कि अब पेड़ पे जो पत्तियाँ मौजूद हैं वही एक ओनली इकलौते सोर्स थी जिराफ के भोजन के लिए। द एंसेस्टर्स ऑफ जिराफ हैड टू स्ट्रेच दियर नेक टू ऑब्टेन द लीव्स ऑन ट्री। और इसीलिए जो जिराफ के एंसेस्टर्स थे उनको कह सकते हैं कि मजबूरी हो गई कि उनको अपना नेक क्या कहते हैं स्ट्रेच करके उनको खाना पड़ा। ठीक, दिस ग्रेजुअल स्ट्रेचिंग ऑफ द नेक लीड टू इंक्रीज इन द नेक एंड फॉर लिम्स। और यही ग्रेजुअल जो धीरे धीरे स्ट्रेच होते होते क्या हुआ, नेक
साइज में इंक्रीज किया लेंथ में, एंड फोर लिम्स भी इंक्रीज किए, जो उनके आगे के पैर होते हैं वो भी इंक्रीज किए। दिस वॉज देन ट्रांसमिटेड टू द नेक्स्ट जनरेशन एंड द जिराफ हैव लॉन्ग नेक एंड फोर लिम्स। और ये जो इनका करेक्टर्स है, इन्होंने जिराफ के एंसेस्टर ने ये किया कि वो स्ट्रेच करते करते क्या हुआ, लंबा हो गया नेक। तो ये जो इन्होंने अक्वाड किया करेक्टर इन्वायरमेंट के इन्फ्लुएंस है, देखिए इन्वायरमेंट के इन्फ्लुएंस है ही हुआ ये चीज़, क्योंकि घास जमीन की थी, मतलब फॉरेस्ट फ्लोर पे थी, अब वो ट्रीज में हो गई है, नहीं है उनका, तो इसीलिए इन्वायरमेंट का इन्फ्लुएंस हुआ, जिसकी वजह से इनका स्ट्रक्चर में चेंज आया, इनकी हैबिट में चेंज आया, और ये करेक्टर अब इनके ऑफस्प्रिंग्स में ट्रांसफ़र हो गए। इसीलिए जो जिराफ हैं दे हैव लॉन्ग नेक, जो नेक्स्ट जनरेशन हुई जिराफ की, उनका लॉन्ग नेक और फॉरलिम्स थे। ये बात अकॉर्डिंग टू लेमार्क है, ठीक। अगर आप चाहें तो हर जो हमने चार पांच पॉइंट लिखे हैं अकॉर्डिंग टू लेमार्क लिख सकते हैं, ठीक। इसलिए बता रहे हैं क्योंकि कन्फ्यूजन ना हो कि आज भी ये थी, आज लेमार्क की थियोरी को नहीं माना जाता है, ओके। तो ये देखिए कुछ डायग्राम से बताने के लिए कि पहले जो जिराफ थे, जिराफ के ये एंसेस्टर्स हैं, तो इसके देखिए हिरन लाइक ही, हिरन की तरह ही है, इनकी भी गर्दन तो इतनी ही है, कुछ नॉर्मल ही है। फिर धीरे धीरे यहाँ पे इतना हुआ, फिर इतना हुआ। नेक्स्ट यहाँ पे देखिए, पहले जिराफ था वो घास चर रहा था, फिर क्या हुआ, घास की वेजिटेशन ख़त्म हो गई, तो पेड़ या था तो पेड़ की पत्तियाँ खाना पड़ी, तो इतना गर्दन हुआ, फिर इतना पड़ा, फिर इतना, फिर इतना। तो ये समझने के लिए तो क्या कह सकते हैं इसमें, तो हमारे पास डायरेक्ट ये प्रूफ आया कि हाँ क्लाइमेट सॉरी एनवायरमेंट का इन्फ्लुएंस की वजह से ये सारी चीज़ें बदली। अब नेक्स्ट उन्होंने लेमार्क ने अपने एविडेंस में क्या कहा, इवोल्यूशन ऑफ फीट ऑफ मॉडर्न हॉर्सेस। उन्होंने ये बताया कि जो पुराने हॉर्सेस थे, मीन एंसेस्टर्स थे हॉर्सेस की, अगर आप इनकी इतना क्लियर तो नहीं दिख रहे हैं, तो आप अगर देखेंगे तो इनकी फिट ऐसे थी, फिर धीरे धीरे इवॉल्व होते होते इवॉल्व होते होते फिर कहाँ से हुआ, ऐसी फिटिंग की बन गई। ये नाम आपको याद करने की ज़रूरत नहीं है, लेकिन ये सब याद होना चाहिए, ठीक। तो दे डेवलप द पावर ऑफ हॉर्स रनिंग टू प्रोटेक्ट देमसेल्फ फ्रॉम एनिमीज। तो ये जो हॉर्सेस थे, इन्होंने पावर ऑफ रनिंग एक्वायर्ड की, किस लिए, एनिमीज से बचने के लिए। दस ग्रेजुअली देयर वॉज लेंथनिंग ऑफ लिम्स एंड द मिडिल डिजिट विद द रिडक्शन ऑफ अदर डिजिट। और इसीलिए इनका जो मिडिल डिजिट था, बीच की उंगली थी, उसका लेंथ बढ़ा, और जो और सारी उंगली थी वो क्या हुई, उनका रिडक्शन हो गया। फिर बाद में उनका ऐसा फिट हुआ, डेवलप हुआ। इन्होंने दूसरा अपना फेवर में एग्जांपल दिया था, अपनी थियरी के फेवर में। तीसरा, इवोल्यूशन ऑफ स्नेक्स में इन्होंने क्या बताया लेमार्क ने, इन्होंने कहा ना कि जो स्नेक्स हैं उनके एंसेस्टर के पास लिम्स थे, और वो लिजार्ड की तरह थे, छिपकली की तरह थे, और वो घने जंगलों में रहते थे। लेकिन मैमल्स के डर से क्या हुआ कि वो क्रीप करना, ये फॉरेस्ट फ्लोर पे क्रीप करना उन्होंने शुरू किया, और बरोज बिल में रहने के रहने लगे। तो क्या होता था कि बिल में रहते थे, मतलब बिल में वो रहना शुरू किए खुद के बचाव के लिए, लेकिन इनके पास लिम्स था। अब ये देखिए कि ये मान लीजिए बिल है, ये बिल है, ठीक, ऐसे मैम ऐसे बनो, ये बिल तो कुछ और ही, ठीक, ये बिल है। यहाँ पे मान लीजिए कोई सांप आ रहा है, ऐसा सांप है, तो इसके मान लीजिए ऐसे यहाँ पे फिट निकल आएंगे, ये इसकी फिट बन, सॉरी लिम्स बन गई, लिम्स बन गई इसकी, और इसको और छोटा बना लें, और ये बिल है, ये बरो है, तो इसमें जा ही नहीं पाएगा, इसकी लिम्स कहाँ से जाएंगी। तो इनको ये प्रॉब्लम हुई, तो इसीलिए इन्होंने क्या किया, उस लिम्स का यूज़ करना ख़त्म कर दिया, कम कर दिया, जिसकी वजह से वो लिम्स डीजनरेट हो गई, और इनकी एकदम इलोंगेटेड बॉडी बन गई, स्नेक्स की इलोंगेटेड बॉडी बन गई। तो देखिए यहाँ पे क्या लिखा है कि अकॉर्डिंग टू लेमार्क द एंसेस्टर्स ऑफ स्नेक्स वेयर लिम एंड लिजार्ड लाइक। लेमार्क के अकॉर्डिंग जो स्नेक्स के एंसेस्टर्स थे, उनके पास लिम्स थे, और वो लिजार्ड लाइक थे। दे लिव इन डेंस फॉरेस्ट, और वो घने जंगलों में रहते थे। आउट ऑफ फियर ऑफ मैमल्स दीज स्नेक्स स्टार्टेड क्रीपिंग ऑन फॉरेस्ट फ्लोर एंड लिविंग इन नैरो बरोज। और इसकी वजह से मैमल्स के डर से इन्होंने क्या किया, इन्होंने फॉरेस्ट फ्लोर पे क्रीप करना शुरू किया, रेंगना शुरू किया, और बरोज में रहना शुरू किया, बिल में रहना शुरू कर देने। फॉर क्रीपिंग अमंग द वेजिटेशंस और बर्विंग इन द नैरो सर्विसेज क्रीवाइसेज दे स्ट्रेच दियर बॉडी विच ग्रेजुअली बिकम्स इनोंगेटेड। हम तो इन्होंने क्या किया, बिल में रहने के, जैसे अभी मैंने ऐसे बताया कि ऐसे मान लीजिए है यहाँ पे बिल है, तो इनका ऐसे ऐसे मान लीजिए लिम्स निकल आया,
ऐसा तो कुछ नहीं होता, फिर भी इनका लिम्स निकला है और मान लीजिए इतना बिल है, तो इन्होंने क्या किया, खुद को स्ट्रेच करा। अब मान लीजिए जबरदस्ती इसमें जाना चाहते हैं तो इसको इधर स्ट्रेच करते करते इधर करेंगे, जाना चाहेंगे तो स्ट्रेच करने की वजह से और लिम्स का यूज़ ना करने की वजह से वो लिम्स ख़त्म हो गया और इनकी बॉडी एकदम इलोंगेटेड हो गई। दिस लिम्स वर ऑफ नो यूज़, और ये लिम्स के यूज़ नहीं था, एंड वर अ हिंड्रेंस इन क्रीपिंग, और इनके क्रीपिंग में और बरों, अब बताइए ऐसे इसके पास लिम्स रहेंगे तो क्रीप करने में भी इसकी दिक्कत होगी और बरों में जाने के लिए भी दिक्कत होगी, इसीलिए धीरे धीरे डिसअपियर हो गए। तो यहाँ पे उनका वो वाला कॉन्सेप्ट आ गया यूज़ और मिसयूज़ वाला, डिसयूज़ वाला, कि जो चीज़ यूज़ होगी वो डेवलप होगी और जो चीज़ यूज़ नहीं होगी वो डिजनरेट कर जाएगी, समय के साथ ख़त्म हो जाएगी। ये इन्होंने अपना अपने फेवर में, अपने थ्योरी के फेवर में तीसरा बताया। यहाँ पे फिर उन्होंने एक एग्जांपल दिया, वेब्ड फीट इन एक्वेटिक बर्ड्स। देखिए ये होता है वेब्ड फीट, ये दिख रहा है, ये है मान लीजिए कह सकते हैं कि उंगलियां हैं, ठीक, और ये जो है ना इसको वेब्ड फीट कहते हैं। तो ये पूरा स्ट्रक्चर क्या हुआ, वेब्ड फीट है, इसको वेब फीट कहते हैं। तो लेमार्क ने अपने थियरी के सपोर्ट में एक चीज़ और बताई कि एक्वाटिक बर्ड्स जैसे कि डक्स हो गई, स्वैंस हो गई, वो टेरेस्ट्रियल एंसेस्टर्स से अराइज हुई हैं और उन्होंने क्या किया, पानी में तैरने के लिए अपने ये टोज हैं, कह सकते हैं टोज या उंगलियां हैं, इनके बीच में एक वेब्ड स्ट्रक्चर बनाना शुरू किया, ताकि आप समझिए अगर ये पानी है तो कुछ स्ट्रक्चर ऐसा रहना चाहिए ना कि ताकि वो उस पर रुक भी सकें। तो उन्होंने ऐसा चीज़ इवॉल्व करना शुरू कर दिया। वेब डेवलप क्यों डेवलप हुई, बिकॉज द एंसेस्ट्रल फॉर्म्स हैड टू स्प्रेड दियर टोज एंड स्ट्रेच द स्किन बिटवीन देम टू रेस्ट ऑन वाटर, ठीक, क्यों, क्योंकि पानी पर रुकने के लिए, अब मान लीजिए बस ऐसा ही रहा तो कैसे रुकेंगी, ठीक, इसलिए इन्होंने ये वेब का निर्माण करना शुरू किया, डेवलप शुरू किया, बिटवीन देम टू रेस्ट ऑन वाटर, पानी पर रुकने के लिए, रिडक्शन इन द साइज ऑफ विंग्स ड्यू टू दियर कॉन्टिन्यूस डिसयूज, और इनके विंग्स में पंखों में रिडक्शन क्यों हुआ, क्योंकि उनका यूज़ नहीं रह गया था इसलिए। तो इन्होंने अपना चौथा पॉइंट बताया अपने सपोर्ट में। पांचवा इन्होंने फ्लाइटलेस बर्ड्स का एग्जांपल दिया, फ्लाइटलेस बर्ड्स के एग्जांपल में इन्होंने कहा, क्या कहा, देखिए कि इट इज़ बिलीव दैट द एंसेस्टर्स ऑफ बर्ड्स सच एज ऑस्ट्रिच वर एबल टू फ्लाई, ऐसा माना जाता है कि जो बर्ड्स ऑस्ट्रिच है, ऑस्ट्रिच मतलब फ्लाइटलेस बर्ड है, उड़ नहीं सकती, तो उसके जो एंसेस्टर्स थे ना वो उड़ सकते थे। लेकिन फिर क्या हुआ कि कुछ एनवायरमेंट चेंजेस की वजह से, और एनवायरमेंट चेंज क्या हुए कि उस ऑस्ट्रिच के एनवायरमेंट के आसपास बहुत प्लेंटी ऑफ फूड हो गया, मतलब उसको फूड की कोई कमी नहीं थी और वो एनिमीज से भी सुरक्षित थी। तो आप बताइए चिड़िया उड़ती है, अगर हम माइग्रेशन में भी ये चीज़ पढ़ते हैं तो किस लिए, अपने भोजन के लिए जाती है, अपनी सुरक्षा के लिए जाती है। लेकिन ऑस्ट्रिच के एंसेस्टर्स उड़ सकते थे, लेकिन फिर कुछ टाइम बाद क्या हुआ कि उनके एनवायरमेंट में, एनवायरमेंट का भी यहाँ पे इन्फ्लुएंस क्या हुआ कि उनके एनवायरमेंट में प्लेंटी ऑफ फूड मतलब भोजन की कोई कमी नहीं थी और ये अपने दुश्मनों से भी सुरक्षित थे। तो इसलिए उन्होंने क्या किया, उस विंग्स का कोई ज़रूरत ही नहीं, उन्हें उड़ने की ज़रूरत ही नहीं पड़ती थी, कहीं और जाने की ज़रूरत ही नहीं पड़ती थी। तो इसीलिए क्या हुआ कि दे स्टॉप यूजिंग दियर विंग्स एंड बिकेम वेस्टिजियल, इसी की वजह से ये जो पंख हैं वो वेस्टिजियल हो गई। तो इन्होंने अपने सपोर्ट में एक और एग्जाम्पल दिया। फिर उन्होंने केव ड्वेलर्स के बारे में बताया, केव ड्वेलर्स के बारे में इन्होंने क्या बताया कि जो एंसेस्टर्स थे एनिमल्स के, वो केव्स में, गुफाओं में रहते थे और ऐसा, और उनके पास ना बहुत पावरफुल आईसाइट थी, आँख की रोशनी बहुत बढ़िया थी उनकी, लेकिन लगातार गुफाओं में रहने की वजह से उन्होंने अपनी देखने की एबिलिटी जो है वो खो दी। तो इन्होंने ये बताया, तो इनसे अपना कौन सा पॉइंट उन्होंने बताया कि जिसका यूज़ किया जाएगा वो डेवलप होगा, जिस ऑर्गन का यूज़ नहीं किया जाएगा वो डेवलप नहीं होगा। आँख का यूज़ यहाँ पे नहीं होता था, अंधेरे में रहते थे, तो क्या हुआ वो ख़त्म हो गए, उन्होंने अपनी देखने की शक्ति खो दी। तो अगर हम एक बार और बात करें कि लेमार्क ने अपने फेवर में, अपनी थियरी के सपोर्ट में क्या क्या एग्जांपल दिए या एविडेंसेस, अगर एग्जाम में आता है कि एग्जांपल्स ऑफ लेमार्किज्म या एविडेंसेस ऑफ लेमार्किज्म, तो यही सारे पॉइंट लिखेंगे। ओके, तो क्या है, इवोल्यूशन ऑफ लॉन्ग नेक जिराफ की हमने बात की, वेब्ड फीट ऑफ मॉडर्न हॉर्स की, स्नैक्स की बात की, एक्वेटिक बर्ड्स, फ्लाइटलेस बर्ड एंड केव ड्वेलर्स के बारे में हमने बात की। तो हमने लेमार्क की थियरी देखी, उनका सपोर्ट में जो भी एविडेंसेस है उनके बारे में बात की। अब देखिए क्या है, अब क्रिटिसिज्म ऑफ लेमार्किज्म हमें पढ़ना है कि लेमार्क ने जो थियरी दी थी उनको बहुत क्रिटिसाइज किया गया। उन्होंने अपना थियरी दिया तो और साइंटिस्ट ने वर्क किया उसके बारे में, कुछ बातें कहीं, उनका
क्या सही था क्या गलत था ये बारे में बताया गया। तो देखिए क्या हुआ कि लेमार्क थियरी वो सब्जेक्ट टू सीवियर क्रिटिसिज्म। लेमार्क ने जो अपनी थियरी दी उसकी बहुत क्रिटिसाइज किया गया। टू साइंटिस्ट क्यूवियर एंड वाइजमैन वर ग्रेट क्रिटिक्स ऑफ लेमार्क। लेकिन दो लोग थे भाई, क्यूवियर और वाइजमैन, ये ग्रेट क्रिटिक्स थे इनके, बिल्कुल सपोर्ट वपोर्ट नहीं करते थे इनको, इनकी थियरी को। तो देखिए, सम ऑब्जेक्टिव्स रेज्ड अगेंस्ट लेमार्किज्म और एज फॉलोज। तो लेमार्किज्म के विरोध में, उनकी थियोरी के विरोध में क्या क्या बातें कही गई हैं ये देखना है हमें, और ये आपको भी आना चाहिए क्योंकि एग्जाम में भी आ सकता है। तो सबसे पहला ये है कि दो द टेंडेंसी टू इंक्रीज इन साइज हैज बीन शोन इन मेनी फॉर्म्स, देयर आर ऑल्सो इंस्टेंसेज वेयर देयर इज रिडक्शन इन साइज। फॉर एग्जाम्पल, ट्रीज दैट आर प्रिमिटिव आर लार्ज इन साइज, वाइल द श्रब्स हर्ब्स एंड ग्रासेस दैट इवॉल्व लेटर आर स्मॉलर इन साइज। इस पॉइंट में क्या कहा गया है कि अभी हमने देखा कि लेमार्क ने ये कहा कि जिस ऑर्गन का ज़्यादा यूज़ किया जाएगा वो डेवलप होगा, और जिसका नहीं किया जाएगा वो क्या होगा, डीजेनरेट कर जाएगा। उसका एग्जाम्पल में उन्होंने वो बताया, जिराफ का एग्जाम्पल दिया, जिराफ की नेक का एग्जाम्पल दिया। तो उन्होंने बताया कि जिराफ की नेक एनवायरनमेंट कंडीशन की वजह से उसे पेड़ की पत्तियों को खाना पड़ा, तो स्ट्रेच करने की वजह से उसकी जिराफ की नेक लंबी हो गई, इंक्रीज हो गई साइज़ में। तो और इन्होंने ऐसे बताया कि वो चीज़ इंक्रीज़ करेगी साइज़ में, और साइज़ क्यों कर रही है, क्योंकि ऑर्गेनिज्म के अंदर एक वाइटल फोर्स है, एक इंटरनल फोर्स है जो उसको मदद कर रही है बढ़ने में। लेकिन क्या हुआ कि ठीक है, वो जो बढ़ने की टेंडेंसी है वो कई ऑर्गेनिज्म के द्वारा शो की जाती है, लेकिन हमारे पास ऐसे भी एग्जांपल्स हैं जहाँ पे रिडक्शन हो रहा है। इवोल्यूशन की आप बात कर रहे हैं कि कोई चीज़ बढ़ रही है लेकिन रिडक्शन हो रहा है, और इस एग्जांपल में हम क्या देखते हैं कि देयर आर प्रिमिटिव ट्रीज दैट आर प्रिमिटिव आर लार्ज इन साइज। कुछ जो प्रिमिटिव ट्रीज हैं उनका साइज बहुत बड़ा बड़ा होता था, लेकिन श्रब्स हर्ब्स और ग्रासेस जो बाद में इवॉल्व हुई हैं वो स्मॉलर हो गई हैं, छोटी हो गई हैं साइज में। ट्री तुम जानते हैं कितना बड़ा ट्री, इतना बड़ा है, फिर श्रब्स वगैरह, हर्ब्स इतनी छोटी छोटी, ग्रासेस और भी छोटी छोटी। तो क्या है, अगर आप इवोल्यूशन की बात कर रहे हैं लेमार्क, और ये कह रहे हैं कि इवोल्यूशन की एक कह सकते हैं कि थ्योरी में आप बता रहे हैं कि चीज़ें, कोई ऑर्गन है उसका ज़्यादा यूज़ हो रहा है, इवॉल्व हो रहा है, अगर वो इवोल्यूशन हो रहा है तो वो इंक्रीज़ करेगा, लेकिन हमारे पास ऐसे भी एग्जाम्पल्स हैं जहाँ पे इवोल्यूशन तो हुआ है लेकिन वो साइज़ ने इंक्रीज नहीं किया है बल्कि रिडक्शन हुआ है। तो एक इनका कह सकते हैं नेगेटिव पॉइंट ये हो गया, इनके क्रिटिसिज्म में कहा गया। दूसरा अगर हम बात करें, इफ न्यू ऑर्गन्स वर टू डेवलप अ न्यू नीड देन मैन शुड हैव डेवलप विंग्स बाय नाउ। ये क्या कह रहा, हमने जब थियरी वाले में उनका पढ़ा, फोर्थ वाला जो पॉइंट था कि इफेक्ट ऑफ एनवायरमेंट एंड न्यू नीड, तो उसमें हमने देखा कि जिराफ की नीड थी क्योंकि एनवायरनमेंट की वजह से क्या हुआ कि घास अब फॉरेस्ट फ्लोर पे नहीं थी, तो उसका नीड क्या था, नीड ये था कि वो अपनी गर्दन लंबी करे और पेड़ की पत्तियों को खाए। तो अगर आप ये कह रहे हैं कि नीड की वजह से क्या होगा, कोई नया चीज़, कोई नया स्ट्रक्चर डेवलप कर जाएगा, तो अब तक तो इंसानों के पास पंख आ जाने चाहिए थे, क्योंकि भाई इंसानों की नीड है, इंसान कब से सालों से चाह रहे हैं कि हमारे पास पंख आ जाए, हम उड़ना चाहते हैं, पर ऐसा तो आज तक नहीं हुआ। तो ये भी इनका फेल कर गया भाई, इनका जो थियरी था वो भी फेल कर गया यहाँ पे भी। थर्ड पॉइंट क्या हुआ इनका कि चेंजेस एक्वायर्ड ड्यूरिंग इट्स लाइफ टाइम ऑफ एन ऑर्गेनिज्म कैन नॉट बी इनहेरिटेड बाय ऑफस्प्रिंग। ये तो आज हम जानते हैं, इनका जो लेमार्क ने ये कह दिया था कि एक्वायर्ड ट्रेट्स जो भी हैं, इंसान अपनी लाइफ टाइम में जो भी एनवायरमेंट की इन्फ्लुएंस ट्रेट पा रहा है वो उसके ऑफस्प्रिंग में भी पास होगा, पर हम जानते हैं और कि ये ऐसा नहीं होता है। चेंजेस एक्वायर्ड ड्यूरिंग लाइफ टाइम एन ऑर्गेनिज्म कैन नॉट बी इनहेरिटेड बाई ऑफस्प्रिंग, उसके बच्चों में वो खुद ही नहीं आ जाएगा। ठीक, फॉर एग्जाम्पल, इफ अ मैन लूजेस हिज आर्म इन वॉर ही डज नॉट प्रोड्यूस चिल्ड्रेन विदाउट आर्म। कोई सोल्जर है, कोई आदमी है, कोई इंसान है, उसका आर्म में कोई युद्ध में क्या कह रहा है, उसके आर्म कट जा रहा है, तो इसका मतलब ये थोड़े कि अगर उसका बच्चा पैदा होगा तो बिना हाथ वाला ही पैदा होगा। तो यहाँ पे भी इनकी ये वाली थियरी गलत साबित हुई। नेक्स्ट, इसको प्रूव करने के लिए यहाँ पे देखिए एक हमारी थियरी आएगी, थियरी ऑफ जर्मप्लाज्म। तो इस थियरी में क्या है, अकॉर्डिंग टू अगस्त वाइजमैन, एक साइंटिस्ट थे, अभी इनका नाम हमने पढ़ा कि ये बहुत बड़े क्रिटिक्स थे भाई लेमार्क के। तो अकॉर्डिंग टू अगस्त वाइजमैन, सोमैटिक चेंजेस, देखिए अगस्त वाइजमैन ने कहा क्या कहा कि ऑर्गेनिज्म की बॉडी में दो तरह के सेल्स पाए जाते हैं, सोमैटिक सेल्स पाई जाती हैं और जर्म सेल्स पाई जाती हैं, या जर्म सेल्स को हम रिप्रोडक्टिव सेल्स कह सकते हैं।
तो केवल जर्म सेल्स ही पास होती हैं ऑफस्प्रिंग को, सोमैटिक सेल्स पास नहीं होती हैं ऑर्गेनिज्म में। और इसी थियोरी को थियोरी ऑफ जर्म प्लास्ट कहा जाता है, और ये किसने दिया था, अगस्ट वाइजमैन ने दिया था। तो देखिए क्या पॉइंट लिखा है कि अकॉर्डिंग टू अगस्ट वाइजमैन सोमैटिक चेंजेस अक्वायर्ड ड्यूरिंग द लाइफ टाइम ऑफ एन ऑर्गेनिज्म आर नॉन हेरिटेबल। जो भी एक्वायर्ड ट्रेड्स हैं, इंसान एनवायरनमेंट के इन्फ्लुएंस से अपने अंदर कोई कैरेक्टर कोई ट्रेट ला रहा है, वो उसके ऑफस्प्रिंग में नॉन हेरिटेबल होते हैं, मतलब नहीं जाएंगे। वेयर एज चेंजेस इन द जर्म प्लास्ट और रिप्रोडक्टिव सेल्स आर इनहेरिटेड बाई ऑर्गेनिज्म। लेकिन सोमेटिक चेंजेस जो भी है वो नहीं जाएंगे, लेकिन जर्म सेल्स है वो जाएंगी, वही ट्रांसफर होती हैं। वाइजमैन थियरी इज नोन एज थियरी ऑफ कॉन्टिन्यूटी ऑफ जर्म प्लांट। देखिए इसको कहते हैं थियरी ऑफ जर्म प्लांट। और जो चीज़ें मतलब जर्म सेल्स आगे कॉन्टिन्यू हो रही है जनरेशन में, उसको हम कहते हैं कॉन्टिन्यूटी ऑफ जर्म प्लांट थियरी। तो ये नाम याद रखिएगा, एक MCQ में आ सकता है। अगस्ट वाइजमैन इज इन 1904, अगस्ट वाइजमैन ने 1904 में क्या किया कि इन्होंने माइस वाला आपने एक्सपेरिमेंट तो पढ़ा ही होगा। इन्होंने क्या किया, 22 जनरेशन तक पहले क्या किया, एक चूहा एक चूहिया ली, उन दोनों की पूंछ काट दी और फिर उनका मेटिंग कराया। तो मेटिंग कराने के बाद क्या हुआ, उनके जब हुए बच्चे चूहा आए सब, तो उनके पास पूंछ थी। यहीं बार बार 22 जनरेशन तक यही एक्सपेरिमेंट को उन्होंने कंटिन्यू किया, और उन्होंने नोटिस किया कि सबके पास पूंछ है, मतलब ये नहीं है, पूंछ क्या है, वो सोमैटिक चीज़ है, सोमैटिक सेल से बनी हुई पूंछ है, इसीलिए वो कंटिन्यू नहीं हो रही है सब में। भले ही पेरेंट्स का अपने पूंछ काट दिया है, लेकिन जो उसके ऑफस्प्रिंग है, उसके बच्चे आ रहे हैं, उसमें पूंछ है, मतलब यहाँ पे भी इनकी थ्योरी गलत साबित हुई। जो इन्होंने ये वाला बात कह दिया कि एक्वायर्ड ट्रेट पास होती है, एक्वायर्ड ट्रेट नहीं पास होती है, क्योंकि वो इंसान अपने लाइफ टाइम में पाता है, वो उसके जन्म से चीज़ें नहीं रहती हैं उसके अंदर, और सोमैटिक चीज़ वाली वो पास नहीं होती है। नेक्स्ट है द प्रोपोजिशन ऑफ द यूज़ एंड डिसयूज ऑफ ऑर्गन इज करेक्ट अप टू सम एक्सटेंट। जो लमार्क ने ये कहा कि जो चीज़ जो ऑर्गन ज़्यादा यूज़ करेंगे वो और डेवलप होगी, और जो यूज़ नहीं करेंगे वो डिजेनरेट हो जाएगी, वेस्टिजियल बन जाएगी, तो ये भी काफ़ी हद तक सही है। लेकिन इसमें भी क्या दिक्कत है, However, persons constantly using an organ does not necessarily strengthen it. For example, people busy in writing and reading and using their eyes more than others often develop impaired sight. तो इस देखिए इन्होंने कहा कि जो ज़्यादा ऑर्गन यूज़ करेगा ज़्यादा डेवलप होगा, लेकिन ऐसा ज़रूरी नहीं है कि हमेशा जो ऑर्गन यूज़ कर रहा है वो ज़्यादा डेवलप और स्ट्रॉन्ग ही हो, मजबूत ही हो। एग्जांपल ये है, सबसे बड़ा आज भी एग्जांपल है आँख का, कि जो इंसान ज़्यादा पढ़ लिख रहा है, आँखों पर दबाव दे रहा है, या अभी हम कि मोबाइल देख रहे हैं, तो क्या होगा, उसकी तो आँखें और मजबूत होनी चाहिए भाई, बहुत मोबाइल देख रहा है, 18 घंटे मोबाइल देख रहा है, लेकिन क्या होता है उसकी तो और आँखें कमज़ोर हो रही हैं। तो ये फिर इनका ये यहाँ पे भी पॉइंट गलत ही साबित हुआ, मतलब कुछ हद तक सही है कि जो ज़्यादा यूज़ होगा वो चलेगा, जो नहीं यूज़ होगा वो वेस्टिजियल बन जाएगा, लेकिन हर जगह सही नहीं है। इसीलिए इनकी कई सारी थियोरीज़ को इनको नहीं माना जाता है, डिसअप्रूव कर दिया गया। अब अगर आप ये दो तीन पॉइंट और देखें, तो अभी हमने बात की वाइजमैन की थियोरी ऑफ जर्म प्लाज्म की, इसके हिसाब से इन्होंने क्या कहा, अकॉर्डिंग टू थियोरी ऑफ जर्म प्लाज्म ओनली जर्म सेल्स आर पास टू प्रोजेनी या ऑफस्प्रिंग, सोमैटिक सेल्स डजंट पास टू ऑफस्प्रिंग, केवल जर्म सेल्स ही पास होती हैं। तो वो था थियरी ऑफ जर्म प्लाज्म। अब थियरी ऑफ कॉन्टिन्यूटी ऑफ जर्म प्लाज्म ने क्या कहा, वाइजमैन ने तीन क्या कई सारे पॉइंट बताए, मैंने एग्जाम्पल के लिए तीन पॉइंट यहाँ पे लिखे हैं, और आप भी तीन चार पॉइंट याद रखिएगा एग्जाम के लिए। इन्होंने अपने थियरी ऑफ कॉन्टिन्यूटी ऑफ जर्म प्लाज्म के सपोर्ट में, और जो इनकी लमार की थियोरी है उसकी अपोजिशन में कुछ पॉइंट्स बताए हैं, जो उन्होंने कहा था कि इनहेरिटेड सॉरी एक्वायर्ड ट्रेट्स पास होती हैं जनरेशन में, उसके अगेंस्ट में क्या बताया उन्होंने कि बोरिंग ऑफ पिन्ना एक्सटर्नल ईयर एंड नोज ऑफ इंडियन वुमेन नेवर इनहेरिटेड टू नेक्स्ट जनरेशन। कि जो पिन्ना है, कान में हमारे यहाँ कान छिड़वाती हैं, कान नाक छिड़वाती हैं वुमेंस, तो वो क्या होती हैं, वो जाना चाहिए एक एक्वायर्ड ट्रेट है, लेकिन जो बच्चा पैदा होता है क्या वो पहले से ही उसका कान नाक छेद थोड़े होता है, उसका तो करवाना पड़ता है। तो यहाँ पे भी उनको पॉइंट गलत हो गया, अगर एक्वायर्ड ट्रेट पास करती तो जाना चाहिए था बच्चे में पहले से, लेकिन नहीं होता है ऐसा। फिर द रेस्टलेस पावरफुल मसल्स आर नॉट ट्रांसमिटेड टू द ऑफस्प्रिंग। ऐसे ही कोई रेस्लर है, ठीक, तो वो क्या उसकी बहुत मसल्स होती हैं, पावरफुल मसल्स होती हैं उसके पास, लेकिन उसका बच्चा होता है क्या, वो तो हट्टा कट्टा थोड़े पैदा होता है, वो भी तो नॉर्मल बच्चे की तरह ही पैदा होता है। तो यहाँ पे भी उनकी थ्योरी काम नहीं कर, भाई उसका एक्वर्ड ट्रेट था, उसने पैदा होते वो भी ऐसा ही थोड़े रहा होगा, उसने एक्वर्ड किया अपनी
ऐसा मेहनत की, अपनी मसल्स बनाई, तो उसका बच्चा होगा तो वो भी नॉर्मल होगा, कोई हट्टा कट्टा नहीं होगा, पहले से रेसलर नहीं पैदा होगा। और नेक्स्ट क्या है, एक और है कि डल प्रोजेनी ऑफ नोबल प्राइज विनर्स कैन नॉट बी एक्सप्लेन बाई लैमार्क। देखिए कोई इंसान है नोबेल प्राइज़ जीत रहा है, इसका मतलब वो बहुत बुद्धिमान होगा भाई, ऐसे ही तो नोबेल प्राइज़ नहीं जीत जाएगा। लेकिन ज़रूरी तो नहीं है कि उसका बच्चा जो होगा वो भी बहुत बुद्धिमान हो, वो भी डल प्रोजेनी मतलब वो भी तो मतलब डल बुद्धि वाला हो सकता है, तो ये ज़रूरी नहीं है कि वो चीज़ है। क्यों? क्योंकि ब्रेन सोमेटिक सेल्स का पार्ट है, वो जर्म सेल्स का पास नहीं है, इसीलिए उसके ब्रेन सेल्स, उसकी जो बुद्धि है, विजडम है, वो उसके बच्चे में नहीं गई। अगर जर्म सेल्स का पार्ट होती तो वो जाती। तो इस तरह से वाइजमैन ने अपने थियोरी ऑफ कॉन्टिन्यूटी ऑफ जर्म प्लाज्म के सपोर्ट में और लैमार्क की थियोरी के विरोध में ये बात रखी, और इस तरह से हमारा लैमार्किज्म वाला टॉपिक कम्प्लीट। देखिए बिल्कुल सिंपल वर्ड्स में नोट्स लिखा है, अगर आप खुद भी रीड करते हैं तो आपको बिल्कुल समझ में आएगा। तो आज के लिए इतना ही, थैंक यू।